हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी बिजनेस लेटर क्या है और बिजनेस लेटर का फॉर्मेट कैसा है और कैसे लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ए बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल लेटर और डॉक्यूमेंट व्हिच इज सेंट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर और फ्रॉम ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज, क्लाइंट्स, कस्टमर, सर्विसेज, स्टॉक होल्डर्स एक्सेट्रा। बिजनेस लेटर्स फॉर्मल लेटर्स होता है। ये लेटर्स कमर्शियल या बिजनेस एंटरप्राइजेस को लिखा जाता है, या तो एक कंपनी दूसरा कंपनी को लिखते हैं, नहीं तो कंपनी सप्लायर्स, कस्टमर सर्विसेज, एम्प्लॉइज, क्लाइंट्स, स्टॉक होल्डर्स एक्सेट्रा को लिखते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स तीन प्रकार का होता है, इंक्वायरी लेटर्स, ऑर्डर लेटर्स एंड कंप्लेंट लेटर्स। अब इंक्वायरी लेटर्स लिखा जाता है फॉर ए प्रोडक्ट, फॉर ए कोर्स, फॉर सर्विस एक्सेट्रा। फॉर ए प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? किसी कंपनी को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है। इंक्वायरी लेटर्स लिखा जाता है कोई कोर्स करने के लिए। जैसे कोई कंपनी में 3 या 6 मंथ्स का इंटर्नशिप करना है, या रिसर्च करना चाहते हो, या कोई इंस्टीट्यूट का अंडर में कॉरेस्पोंडेंस कोर्स करना चाहते हो, तब इंक्वायरी लेटर्स लिखा जाता है। उसी तरह सर्विस लेटर्स भी लिखा जाता है। जैसे किसी कंपनी का एम्प्लॉई को टर्मिनेट किया जाता है, या तो कोई एम्प्लॉई जॉब छोड़ देते हैं, तब कंपनी उस एम्प्लॉई को सर्विस लेटर देते हैं। ऑर्डर लेटर्स लिखा जाता है कोई सेलर या बायर को खरीदा या बिका हुआ आइटम्स या प्रोडक्ट का पूरी जानकारी देने के लिए, फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, या तो ऑर्डर कैंसिल करने के लिए, फॉर कैंसिलिंग ऑर्डर, या कभी कभी ऑर्डर लेटर का रिप्लाई देने के लिए, फॉर रिप्लाइंग टू ऑर्डर लेटर। कंप्लेंट लेटर्स लिखा जाता है कोई कंसर्न्ड अथॉरिटी को। जब उस अथॉरिटी या कंपनी का डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सर्विस नेग्लिजेंस पर हम खुश नहीं होते या हमें कुछ प्रॉब्लम होता है, तब कंप्लेंट लेटर्स लिखा जाता है। और ये तीन प्रकार का लेटर्स को छोड़ के और भी कई लेटर्स होता है, वो है कवर लेटर, ऑफर लेटर, सेल्स लेटर, रेजिग्नेशन लेटर एक्सेट्रा। और ये है फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। Now, I will write an inquiry letter. Thank you.
हूँ।